नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति सिंह और लेके आई हूं आपके लिए सिटी सेलिब्रिटी टॉप 20 का नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर हफ्ते हम आपको सिटी के नए सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं और करते हैं उनसे 20 सवाल उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के बारे में। आज के जो हमारे सिटी सेलिब्रिटी के गेस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर जसप्रीत ग्रोवर एंड उनकी वाइफ मिसेस रमिंदर ग्रोवर फ्रॉम प्रीत हॉस्पिटल। वेलकम यू सर, वेलकम यू मैम, कैसे हो आप दोनों? Thank you. I'm fine. Thank you, Preeti ji, for inviting us to this show. Thank you so much, Preeti. Sir, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने आपको बहुत ही छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे पता है मेरे पास जो जितना मैं इजीली बोल सकती थी मैंने वो बोला है। मैं चाहती हूँ कि आप अपना अच्छे से अपना जो इंट्रोडक्शन है अपना और मैम का प्लीज बताइए। हाँ, श्योर। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत सिंह ग्रोवर है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर एंड मेरी स्पेशलिटी जो है दैट इज जनरल सर्जरी and I am running Preet Hospital at Fatehgarh Churia Road for the last 18 years and it's a multi-speciality hospital. Married to Raminder and we are married for the last 27 years and she is a fashion designer and also helps me in hospital administrator ka bhi kaam kar rahe hain wahan pe ye. Mere do bete hain, the elder one Sahibjeet Singh is a doctor and wo aajkal post graduation medicine mein kar raha hai Dehradun mein. And the younger one, Amoljeet Singh, he is in Bathinda and he is pursuing MBBS final year. Regarding my parents, my father retired as an ex-in from irrigation. He is an engineer and my mother is a housewife. So, we are my family or my profession. I should mean, this is also a brief introduction. इतना तो मैं कभी भी नहीं बोल पाती। सबसे पहला मेरा question ये है कि यही profession क्यों चुना आपने? मेरे फादर बींग एन इंजीनियर ही वॉन्टेड मी कि आप इंजीनियर बन जाओ एंड माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। बट मेरी जो अपनी इच्छा थी आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर बिकॉज आई फाउंड इट के इस प्रोफेशन से आई कैन हेल्प द सोसाइटी एज वेल एज मैं एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलेगी। आई वॉज नॉट एंड एक और मैं बता रहा हूँ बात जो शायद किसी को भी नहीं मैंने बताई होगी कि मेरे को मैथ्स पसंद ही नहीं था, मेरे को मैथ्स आता ही नहीं था। सो आई ऑप्टेड फॉर ए सब्जेक्ट जिसमें कि साइंस इंग्लिश हो और लेकिन मैथ्स वगैरह ना हो, तो आई ऑप्टेड फॉर दिस मेडिकल। सर मैथ्स ना हो बट साइंस हो, मतलब साइंस आपको समझ में आती है, मैथ चलो मेरे को भी नहीं आता पर मुझे तो कभी साइंस भी समझ में नहीं आई पर आपको आ गई है इसलिए शायद आप डॉक्टर बन गए। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे होस्ट हूँ ना, तो चलो वो भी बहुत अच्छा है। इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर, सर ये क्या फंडा है? नहीं, डिग्री नहीं थी मेरे पास। अगर इसकी दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने प्लस टू पास की 84 में और 84 में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, तो हमें लगा कि इस बार तो पीएमटी होनी नहीं है, तो मैंने क्या तैयारी अपनी वगैरह बंद कर दी एंड ऑल ऑफ अ सडन वी केम टू नो जी कि अगस्त में पीएमटी होनी है। तो पीएमटी मैंने दी, मेरा रैंक थोड़ा पीछे आ गया एंड मेरे को मिल रही थी डेंटल, तो मेरे को लगा कि डेंटल तो मैंने करनी नहीं है। सो माई फादर टोल्ड मी कि आप ऐसे करो, ऑप्शनल मैथ्स एक सब्जेक्ट अब होता था कि आप इसको कर लो और साथ में आप इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। मैथ्स मेरे को पसंद नहीं लगा लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगा के ना सारे क्वेश्चन को याद कर लिया एंड आई गॉट सच ए गुड मार्क्स कि मेरी इतनी परसेंटेज हो गई कि मैं जब पटियाले गया थप्पड़ इंजीनियरिंग कॉलेज में तो आई गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो माई फादर वॉज रियली हैप्पी कि इसको तो इंजीनियरिंग मिली है, नाउ इज गोइंग टू बी इंजीनियर। इन द मीन टाइम मैंने पीएमटी भी दे रखी थी और जब मैं वापस आया तो पीएमटी का रिजल्ट आ गया तो मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। नाउ देयर वर टू ऑप्शंस, आप इंजीनियर भी बन सकता हूँ डॉक्टर भी बन सकता हूँ, लेकिन माय फर्स्ट लव वाज टू बी इन मेडिसिन सो आई ऑप्टेड फॉर मेडिसिन। सर वैसे कमाल की बात है, लोगों से यहाँ पे एक पढ़ाई नहीं होती, आपने दो पढ़ाइयाँ करके छोड़ी और फिर चूज किया है कि डॉक्टर बनो कि इंजीनियर। सर कमाल की बात है। सर मुझे पता चला है कि आपने अपने 8 ईयर की जॉब के बाद रिजाइन कर दिया था डॉक्टर वाली। Yeah. ये क्या सर, लोग तो डॉक्टर की जॉब इतना पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनने के बाद कोई जॉब छोड़ेगा ही नहीं, आपने ये डिसीजन क्यों लिया? प्रीति जी ऐसे हुआ कि 94 में मैंने जब पास आउट कर लिया आफ्टर डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली। एट दैट टाइम मेरे को लगा कि नाउ हैव सिक्योर जॉब, एक फिक्स इनकम आ रही है, लेकिन कुछ सालों बाद ही मेरे को से अबाउट 3 or 4 days मेरे को लगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई प्रोफेशन, मैं प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, जो मैं सर्जरी करना चाहता था मेरे पास वो हो ही नहीं रही है। बिकॉज गवर्नमेंट सेटअप में आप एक बाइंडिंग हो जाती है कि आपको ये भी काम करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना है, ये करना। सो वन फाइन डे आई टोल्ड माई फादर कि मैं तो हॉस्पिटल खोलने लगा हूँ। कहते हॉस्पिटल तो चलाना, इट्स नॉट दैट एन ईजी जॉब,
मैंने कहा नहीं, मैंने डिसीजन ले लिया, आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड मैंने हॉस्पिटल खोलना। एंड 2002 में जब मैं अपने बॉस के पास गया, प्लास्टिक सर्जरी में था तब मैं, एंड मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने उनको कहा कि आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब, तो ही वॉज रियली एस्टॉनिश्ड। ही सेड कि 8 ईयर की तेरी परमानेंट जॉब है, पेंशनेबल जॉब है, कोई भी नहीं छोड़ता, तो ऐसे कर 20 साल कंप्लीट कर ले फिर छोड़ देना। मैं कहा जी तब तक तो इट विल बी ऑल ओवर, मैं नहीं करूँगा। एंड आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब, स्टार्टेड माई ऑन सेटअप एंड टचवुड कभी रिग्रेट्स नहीं आए कि मैंने वो जॉब छोड़ी है। अभी मेरी आपसे थोड़ी देर पहले शूट से पहले यही बात हो रही थी, तो ये मुझे सर और मैम दोनों बता रहे थे कि यार हम डिसीजन बड़े क्विक लेते हैं, तो ये उसी की एक छवि थी कि उन्होंने इतना क्विक डिसीजन लिया और 8 साल की जॉब को रिजाइन करके हॉस्पिटल खोला, जो कि बहुत अच्छा इनका हॉस्पिटल चलता है, पूरी सिटी में फेमस है। तो कई बार डिसीजन ये ना क्विक वाले बहुत अच्छे काम कर जाते हैं ना। हाँ, मैं कहने लगा था कि एज ए सर्जन यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, इसकी सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, ये लाइफ सेविंग है, यू हैव टू मेक सम डिसीजंस ऑन द स्पॉट। अगर आप डिसीजन मेकिंग आपके ठीक नहीं है, तो आई थिंक आपको मुश्किल कभी ना कभी पड़ी रहती है। सर, आपकी जैसे लॉकडाउन में मोस्टली कई डॉक्टर्स ने अपना सारे हॉस्पिटल क्लिनिक सब बंद थे, वो घर पे बैठे थे या तो फोन पे दे रहे थे मेडिसिन, ऐसा कुछ चल रहा था, आपने भी ऐसा किया कि आपकी ओपीडी खुली हुई थी? नहीं, I was only hospital right from 22nd of March till date, कभी भी मैंने ओपीडी बंद नहीं की, कभी भी हमारी सर्जरी बंद नहीं हुई, कभी ICU बंद नहीं हुआ, कभी हमारा ऑपरेशन थिएटर नहीं बंद था। एंड इनफैक्ट टीम फ्रॉम चंडीगढ़ केम टू अवर हॉस्पिटल आफ्टर लिसनिंग कि ये लोग ओपीडी नहीं कर रहे हैं, एंड व्हेन दे केम टू माय हॉस्पिटल दे वर सरप्राइज कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, विद ऑल प्रिकॉशंस, विद मास्क, विद सोशल डिस्टेंसिंग, विद सैनिटाइजिंग, हमने प्रिकॉशन सब ली। एंड टचवुड, ये आई शुड से बाय गॉड्स ग्रेस, मेरा कोई भी स्टाफ मेंबर कोविड से इफेक्ट नहीं हुआ। वेरी गुड, क्योंकि आप वो जनता की सेवा कर रहे थे ना, आपके मन में वो भावना थी, इसीलिए शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड एज ए मेंबर ऑफ सम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, हमने तो बकायदा सैनिटाइजर्स एंड मास्क बकायदा चौक में खड़े होके सबको रोक रोक के उनको काउंसलिंग की कि कैसे मास्क पहनने हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, कैसे कोरोना से बचा जाए। एंड देयर आफ्टर वी डिस्ट्रीब्यूटेड वो सारा कुछ करते रहे हैं लोकेलिटीज में जाके, मैंने राशन बांटता रहा हूँ लोकेलिटीज में जाके। बट यही था कि अगर मुश्किल आई है तो किसी ना किसी को तो बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल निकलना। तो सर, एक क्वेश्चन है बड़ा इमोशनल सा कि एज ए डॉक्टर, यू नो मैंने सुना है कि यार लोग बोलते हैं डॉक्टर्स के तो इमोशंस नहीं होते, यू नो आप हॉस्पिटल में होते हो, बहुत बार मिस हैपनिंग होती होगी, बहुत बार ऐसा होता होगा कि पेशेंट हाथ में रहता रहता चला जाता होगा, उस टाइम आपकी मेंटली स्टेट सर क्या होती है, क्या दिमाग में क्या चलता है, क्या इमोशंस आते हैं, कैसे कंट्रोल करते हो अपने आप को? ओके, दिस इज ट्रू कि जो डॉक्टर होता है दैट ही प्लेज विद लाइफ एंड डेथ। और ये भी आप कह रहे हैं कि जी हम लाइक वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड देख सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक पेशेंट है जिसकी मैंने सर्जरी की है या मैं उसको पेशेंट को ट्रीट कर रहा था फॉर लास्ट फ्यू डेज, अगर वो चले जाता है ना तो यू फील। और कई बार तो ऐसा होता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल द अटेंडेंट्स और उनको बताना है कि योर पेशेंट इज नो मोर, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, लेकिन क्या करें, जॉब ऐसी है, वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशंस एंड सारा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है कि जी ऐसा मिसअप हो गया, सो दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, चलना पड़ता है, इमोशन वी हैव टू कंट्रोल। मैम, आपसे मैं पूछती हूँ, अब जैसे ऐसा होता होगा कि कई बार ऐसे मिस हैपनिंग हॉस्पिटल में होती होगी, उसके बाद सर का घर आना, ऑब्वियसली मूड में तो फर्क पड़ता ही है, तो आप कैसे सर को हैंडल करते हैं इन चीज़ों से, या आप भी अपसेट हो जाते हो, या सर का मूड कैसा होता है उस टाइम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सर का मूड थोड़ा सा अपसेट तो होता है, बट सर चेयर अप हो जाते हैं बड़ी जल्दी, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। डॉक्टर की वाइफ अगर डॉक्टर हो तो वो इमोशन चलो पकड़ने इजी हो जाते हैं, बट एज ए फैशन डिजाइनर उनको उनके माइंड के सेटअप को समझना, कंट्रोल करना या उनको चेयर अप करना, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता होगा। नहीं, सर इज वेरी लाइवली, सर ज्यादा दिल पे नहीं लेते हैं, यू नो बहुत बड़ा दिल चाहिए कि एक तो सर्जरीज करना, हमें तो कट लग जाता है तो वो देखने में ऐसे लगता है यार वो शिट क्या हो गया। तो कई बार हुआ मेरे साथ, मैं आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी दोस्त इंटर्न थी वो मेरे पीछे खड़ी थी, मेरे को कहती सर वो आप ड्रेसिंग करने लगे बर्न पेशेंट की, तो मैंने कहा हाँ जी हम साथ आ जाए, मैं आ जाऊँ, वो साथ में आ गई। आई वाज डूइंग, मैंने अभी उसकी ड्रेसिंग खोली तो मैंने पीछे देखा कि एक ही लड़की खड़ी, दूसरी कहाँ, दूसरी नीचे, वो स्मेल ही नहीं टॉलरेट कर सकती। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। चलिए सर, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा बचपन में चलते हैं आपके, यू नो मैंने सुना है कि आपने अपनी स्कूलिंग पठानकोट से की है, और मेरे को पता चला है कि आपकी स्कूलिंग नॉर्मल यहाँ की स्कूलिंग से बहुत डिफरेंट स्कूलिंग हुई है,
वो क्या क्या कैसे डिफरेंट थी? मैं बताता हूँ, सिंस माय फादर वाज इन इरिगेशन एंड हमारी पोस्टिंग पठानकोट में थी एंड मेरी स्कूलिंग टिल सिक्स्थ वहाँ पे हुई है पठानकोट में। वहाँ का जो एटमोसफेयर था ना, वो हम कैनाल कॉलोनी में रहते थे एंड इट वाज अ सेमी अर्बन टाइप एरिया एंड वहाँ पे जो मेरा बचपन है इट वॉज टोटली डिफरेंट व्हाट वी हैव ओवर हेयर। वहाँ पे हम खेलते थे गेम्स लाइक वो गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम, खो खो, ये आज के बच्चों ने तो वो सुनी भी नहीं होगी, बट वी यूज टू प्ले ऑल दोज गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज, स्कूल भी जाना, शाम को आगे खेलना, टीवी वगैरह तो होता नहीं था। सो माय चाइल्डहुड वाज बिट डिफरेंट फ्रॉम जो आजकल चल रहा है। देन वी शिफ्ट टू अमृतसर। अमृतसर में आके मेरे को एकदम से लाइक जैसे कल्चर शॉक लगा, बिकॉज जो स्कूल में मैं गया, यहाँ पे मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ा हूँ, सेंट फ्रांसिस में गया तो वहाँ का माहौल और पठानकोट वाले स्कूल का माहौल इट वॉज टोटली डिफरेंट। बट देन चलो यहाँ पे आके फिर मैंने अपने आप को मोल्ड किया एंड वहाँ पे पठानकोट में क्योंकि इट्स नॉट कोई अर्बन एरिया नहीं है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का एंजॉय किया आपने, मतलब बिल्कुल जी बिल्कुल जी। अगर बचपन किया तो बचपन बिल्कुल एंजॉय किया और अगर उसके बाद का जो समय है उसको भी एंजॉय किया। शरारती थे आप बचपन में कि नहीं? मैं इतना शरारती नहीं था जितना कि आप सोच सकते हो, लेकिन वो अगर शरारत ना करा तो बचपन कैसा? नहीं, क्योंकि शरारती होने में लगा था बचपन से ही शायद डॉक्टर बनने का शौक था, तो इतने सीरियस थे कि शरारत तक नहीं भूल गए। अरे मैं आपको बता दूं, सीरियस मैं अभी नहीं, मैं सिर्फ हॉस्पिटल में सीरियस होता हूं। वंस आई एम आउट ऑफ हॉस्पिटल तो मैं इतना सीरियस नहीं हूं। मेरे फ्रेंड से, चलो वैसे साथ में बैठे इनसे पूछ लेना आप। नहीं नहीं, वो आपसे बात कर रहे से ही पता चल रहा है कि आपकी नेचर कैसी है। सर, एनी चाइल्डहुड मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो? यहाँ पे मैं जब आया स्कूल अमृतसर में तो वन ऑफ आवर टीचर ही टोल्ड अस कि अगर जिन बच्चों का साइंस स्ट्रांग नहीं है एंड इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, दे शुड नॉट ऑप्ट फॉर मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। एंड मेरी साइंस ठीक थी बट इट आई वाज नॉट दैट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली मैंने ड्यू टू माय हार्ड वर्क कह लो, लक कह लो, आई बिकेम अ डॉक्टर। एंड कुछ साल पहले की बात, आई वाज सिटिंग इन माय ओपीडी एंड मेरे को मेरे आके जूनियर ने कहा कि सर एक पेशेंट आया, बहुत सीरियस लग रहे हैं एंड यू जस्ट कम एंड हैव अ लुक। मैं इमरजेंसी में गया तो मैंने देखते ही पहचान लिया कि ही इज़ द सेम टीचर मेरे सेंट फ्रांसिस वाले। तो मैं उनके पास गया तो मैंने सर को कहा, तो सर को कहा मैंने, सर आपने मेरे को पहचाना? तो ही सर नहीं। मैं कहा सर आप पहचानोगे भी नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, लेकिन मैं आपकी बात मेरे को याद है कि आपने कहा था कि अगर आपको साइंस में वीक हो तो आप डॉक्टर ना बनना, लेकिन सर मैंने आपकी नहीं बात मानी और मैं डॉक्टर बन गया और ये मेरा हॉस्पिटल है। And Prithi ji, I tell you, it was such an emotional moment. He was very sick, but उसने मेरे को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, he hugged me. वो कहता यार, as a doctor, as a teacher, हमारा तो फर्ज है सबको बताना, लेकिन it's your hard work कि आप डॉक्टर बने और successful हो, and I'm feeling so proud of you. Good. And that was one of the proudest moment of my life, कि मेरे टीचर ने आके मेरे को एक ऐसी बात कही है जो मेरे को आज तक याद है, and I will remember that. क्योंकि बचपन में जब हम किसी टीचर को अपना गुरु मानते हैं एंड उसकी बात ही मानते हैं, मैं उस गुरु के अगेंस्ट गया था एंड चलो इट वाज गॉड्स ग्रेस। मैं नहीं नहीं, ये सबसे प्राउड की बात होती है जब आपका टीचर आपको बोले कि जब आप लाइफ में अपने अचीव कर लिया और उसके बाद बोले कि मैं बहुत प्राउड हूँ, वो भी वो टीचर जिसने आपको सोचा कि नहीं आप शायद नहीं कर पाओगे इतना अच्छा। चलो, ये किसी को प्रूफ नहीं करना होता, ये अपनी कैपेबिलिटी होती है जिसे हम आहिस्ता आहिस्ता निखारते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ये एक्सपीरियंस आप छुपा रहे थे, हमें बता नहीं रहे थे, ये तो सबको बताने वाला है, इतना मोटिवेट करने वाला एक्सपीरियंस है। ऐसी चीज़ें तो बल्कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए ना, लोग मोटिवेट होते हैं इससे। चलिए सर, बचपन से निकल के जवानी में आते हैं, जवानी का नाम सुनते देखो मैम को भी स्माइल आ रही है, जवानी नाम ही ऐसा है एक्चुअली। अच्छा मुझे ये बताइए, जवानी में तो देखो सब बहुत रोमांटिक होते हैं, चाहे कोई इस आई थिंक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट तो वैसे ही बड़े फेमस हैं आजकल के, उस टाइम का मुझे नहीं पता कि यार घूमने फिरने में ये मस्ती वस्ती में आप लोग सर अपने कॉलेज के टाइम पे कैसे थे? कॉलेज टाइम में आपने बिल्कुल ठीक कहा, इट वाज ऑल फन, मस्ती, पढ़ाई भी थी एंड ठीक है। दैट पीरियड वो वाला होता ही ऐसा है कि यू जस्ट एंजॉय योर लाइफ। अच्छा, खासकर अगर आप मेडिकल कॉलेज में हो तो आप कोवेट में थे?
मेडिकल कॉलेज के अंदर तो मिली नहीं, लव मैरिज है आपकी अरेंज मैरिज। ये अब आप स्टोरी है कि ये हमेशा कहती है कि इनकी अरेंज मैरिज है मेरी लव मैरिज। अच्छा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि मैं इनको मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं मिला, मैं इनको मेडिकल कॉलेज से बाहर मिला। अच्छा। बिकॉज़ शी वाज स्टडीइंग इन बीबी के डीएवी कॉलेज, वो यहाँ से रोज जाती थी अपने घर को, और मैंने सिर्फ अपना पीरियड मिस करके सिर्फ इनको देखने के लिए बाहर बैठा रहता था, देख के मैं चला जाता था। प्लस पॉइंट वाज मैंने इनको कभी फॉलो नहीं किया, नेवर गिव अ फोन कॉल, कभी तंग नहीं किया, एंड दिस वेंट फॉर इयर्स टुगेदर। एंड फाइनली मेरे को लगा कि यार इसी से शादी करनी है। oh. अब मेरे को कोई मिल नहीं रहा था, बीच वाला कोई बंदा, वो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर है, पढ़ाई डॉक्टरी करनी, पर पीरियड मिस करना है, चाहे वो डॉक्टरी का मिस हो जाए, पर हमने, चलो ये टाइम होता है ना, ये जवानी, तभी मैंने जवानी को ऐसे किया कि टाइम ही ऐसा है। आपने स्ट्रेस ही उस पॉइंट पे दिया कि मेरे को बताना पड़ा। आपको कितना समय लग गया मैं आपको प्रपोज करने के लिए? 3 साल तो पहले लग गए, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू कर दी, फिर उसके बाद 1 साल फिर दोबारा लग गया। So the story started in say about 88-89 and marriage हमारी 93 में हुई। पर आपको मैम पता चल गया था कि इस लड़के को मेरे पे क्रश है, तभी घर पे रिश्ता है, नहीं पता था आपको? पर ये जब आपको देखते थे, कभी आपने नोट नहीं किया कि मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं कुछ? नहीं, कभी भी नहीं। और जब रिश्ता आया घर, आपने यस कर दी, बाद में पता चला आपको? नहीं, ऐसा नहीं था कि रिश्ता मेरे आंटी ने भेजा था। हाँ। मेरी मासी जी के फ्रेंड थे, उनकी तरफ से आया था। हमारे लिए तो वो एक नॉर्मल सा रिश्ता था कि भाई इसलिए रिश्ता आया है। सो बाद में शादी के बाद पता चला। शादी के अच्छा यार तुम्हें मेरे पे क्रश था, बताया क्यों नहीं? वो तो इनके फ्रेंड्स ने शोर मचा दिया था शादी के बाद। ब्लश मैं की थी। नहीं, पर सर के लड्डू तो फूट रहे होंगे ना मन में कि यार जो लड़की सोचा था उसी से एंगेजमेंट हो रही है। नहीं, ये तो है ही, लड्डू तो इतने, मेरे को 2 लड्डू फूट रहे थे बिकॉज़ दे आर ट्विन्स ना, साली भी ऐसे मिल गई। हां, वी वर ट्विन्स। क्या बात है सर, इसीलिए तो नहीं सर ने किया कि चलो साली भी मिल जाए? नहीं, दोनों सुंदर सुंदर दोनों मिल जाएंगी, होता ना नॉर्मली। चलो, इट्स वेरी गुड। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे मैंने, मुझे पता चला कि आपकी बुटीक थी, अब आपने बुटीक बंद कर दी है ना, बहुत अच्छी बुटीक चलती थी मुझे जहाँ तक पता चला, फिर आपने डिसीजन लिया वो बंद कर दी, शायद आपके बच्चों के लिए, सर ने मुझे बताया था। अब आप हेल्प करते हो सर के हॉस्पिटल में उनकी, तो कितना कहाँ बुटीक चलाना, वो दूसरा एक बिल्कुल फैशन का काम, और कहाँ हॉस्पिटल टेक केयर करना, तो कैसा लगता है आपको? इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत है। डिफरेंस तो है, बट एक मुझे सेटिस्फेक्शन ये थी कि बिकॉज मुझे अपने बच्चों को तब टाइम देना था, और दूसरी ये थी कि मुझे डॉक्टर साहब को भी हेल्प आउट करना था, तब डॉक्टर साहब का उनके हॉस्पिटल में ज़रूरत थी, तब फिर मैंने इनको हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एज एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में ही मैंने अपना वहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ प्रीत वोकेशनल स्कूल, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो मेरी मशीन्स वहाँ से फ्री हुई थी, तो फिर मैंने वहाँ पे टीचिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने काम बंद ज़रूर किया था, पर बिल्कुल बंद नहीं किया था, तो मैंने उसको भी रिलेट साथ में कर दिया था। मैं हॉस्पिटल जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रही थी, प्लस चैरिटेबल काम स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मेरे पास जो स्कूल है, वहाँ पे मेरे पास 80 स्टूडेंट्स थे। हाँ, मेरे पास वो आपके लिए वही अगला क्वेश्चन भी था कि जैसे कि मुझे पता चला कि आप NGO चलाते हैं। हाँ। गरीब लड़कियों को पढ़ाते हैं, उनको स्टिचेस का, ये आइडिया माइंड में कैसे आया? ये भी डॉक्टर साहब ने मुझे दिया, बिकॉज जब मैं हॉस्पिटल ज्वाइन किया तो आई वॉज इन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं इन्होंने मुझे जो ऑफिस दिया था वो था गायनी वाला। hmm.
वहाँ पे एक लेडी गायनोकोलॉजिस्ट थी, तो जब मैं वहाँ पे बैठती थी तो वहाँ पे जब मेरे पास पेशेंट आते थे वो सब मुझे डॉक्टर समझते थे और मैं डॉक्टर थी नहीं। तो जब वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लगता था कि वो रिलेटेड टू फाइनेंस थी, तो मैं डॉक्टर साहब को कहती थी कि हमारा जो एरिया है वो ऐसा है कि हमें इनको थोड़ा सा लेडीज़ को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि वाई डोंट यू स्टार्ट विद दिस प्रोफेशन, कि इनको अपने पैरों पे खड़ा कर, तू क्यों नहीं ऐसा करती है कि तू यहाँ पे, तेरे पास मशीन्स भी हैं सब कुछ है, तो तेरे पास जो ये लड़कियाँ आ रही हैं, और जब मैं उनसे बात करती थी कि बेटा आप अपना कुछ काम क्यों नहीं करते हो, अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़े होती हो, ये गलत काम में क्यों लगे हुए हो, देन दे सेड कि मैम हम क्या काम करें। तो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि तू डू दिस थिंग, तू इनको ये स्टिचिंग में डाल, ब्यूटिशियन के कोर्स करवा। देन आई स्टार्टेड के वाई नॉट दिस थिंग। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी बिग स्टेप एक्चुअली। ये किसी को सही गाइडेंस देना इज़ सबसे अच्छी बात है, कि किसी को सही गाइड करना। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये अपने आप में ही काबिलियत वाला काम है। मैम ये बताइए, अब जैसे आप सर के साथ होते हो हॉस्पिटल में, मोस्टली आई थिंक कुछ घंटे तो साथ स्पेंड करते होगे, तू तो मैम तो होता होगा किसी ना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं। तो फिर बहस कैसे स्टार्ट होती है? देखो वो तो मैं ही करती हूँ। वो आपके रिएक्शन से आप करते हो। अच्छा, गुस्सा आपका टेंपर लूज हो जाता है, फिर सर मैनेज करते हैं कि सर भी गुस्से में आ जाते हैं? नहीं देखो, सर गुस्से में भी आते हैं पर मनाते भी वही हैं। है। देखो गुस्से में मेरे से ज्यादा वही आते हैं, गुस्सा मैं स्टार्ट करती हूँ बट एंड अप वही करते हैं। सो आप बहुत लकी हो। हैप्पीली हमारी डीसी लिए हैं, जब भी कोई शुरू होता है ना, सोने से पहले हमने वो खत्म करके सोना, और ज्यादातर मैं ही कहता हूँ जी सॉरी सॉरी, यस कम खत्म कल मुका हो। यू आर लकी मैम। यस इन इन दैट वे। कितनी बार झड़प हो जाती है दिन में? हर नहीं 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 नो नो नो, इट्स वंस, वी सेल्डम फाइट इट, वेरी रेयर वेरी रेयर वेरी रेयर। मुझे ये बताओ सर, जैसे अभी आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, हाउ यू मैनेज योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ? लाइक ठीक है, माय डे स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं 8:30 बजे हॉस्पिटल चले जाता हूँ, उसके बाद मेरे को नहीं पता था मैंने कब वापस आना, खाना खाने भी आना है कि नहीं, बिकॉज पहले ओपीडीज हैं, फिर सर्जरीज हैं, फिर शाम की ओपीडी है। बट देन 8 बजे जब मैं एक बार घर आ गया, उसके बाद मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, इट्स माय टाइम फॉर माय फैमिली। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी हम किसी पार्टी पे चले गए, किसी फंक्शन पे चले गए और कुछ नहीं मिला तो कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। जैसे आपका इतना हेक्टिक लाइफ है, डॉक्टर की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, कभी कभी इतना स्ट्रेस होता है माइंड में पेशेंट्स का, कोई पेशेंट ठीक नहीं है, किसी की हालत क्रिटिकल है, कभी होता है कि मुंह से किसी स्टाफ को या किसी पेशेंट के किसी घर वालों को कोई गलत वर्ड निकल जाता है एंड रिग्रेट आपको बाद में लेटर लगता है, और शिट मैंने गुस्से में क्या बोल दिया यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? कभी कभी होता है ऐसा, डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है कि मेरा कोई पेशेंट है सीरियस, मैं ICU में उसको देख रहा हूँ, या मैं तो OT में जब बाहर ही निकल रहा हूँ आफ्टर डूइंग अ मेजर सर्जरी या डिफिकल्ट सर्जरी एंड द पेशेंट इज वेरी सिक, और कोई ना कोई अटेंडेंट ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका मैं आंसर देना भी जाऊँ, जहाँ मेरा दिमाग उस टाइप पे लगा होता है जब सीरियस पेशेंट उसके पास होता है, तो तब कई बार ही बोला जाता है मुझसे। एंड हमारी एक लाइन ऐसी है कि यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, आप रूड नहीं हो सकते किसी के साथ भी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई रियलाइज, एंड फिर मैं उसको भेजूंगा अपने किसी जूनियर को कि उसको बुलाओ, अपने कमरे में बैठाता हूँ एंड कहता हूँ कि बेटा मेरा तब आई वॉज सम टेंस, आप पूछिए क्या आपके पास क्या प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हमारी एक लाइन ऐसी है कि कोई भी हमारे हॉस्पिटल में हंसता नहीं आता, एक्सेप्ट जिसके डिलीवरी होती है ना, जो लड़का हो जाता है वही हंसते हैं, बाकी तो सारे देखे इन ए वेरी सब सीरियस ही होते हैं। तो अगर मैं किसी के साथ रूड बोलता हूँ या मैं किसी के साथ अच्छी तरह बात नहीं करता हूँ, तो देन इट्स माय फॉल्ट आई शुड से, बिकॉज डॉक्टर
अटेंडेंट्स की, पेशेंट्स की, दे हैव गॉट मच मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए डॉक्टर। आप जो बोल रहे हैं ना वो एक ध्यान से सुन रहे हैं, आपका एक एक लफ्ज सुन रहे हैं। मैं कमरे से बाहर जाऊंगा वही लफ्ज वो आपके सारे फोन पे अपने सारे रिलेटिव्स को बताएंगे कि डॉक्टर साहब क्या कह के गए। अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ वो भी कन्वे हो जाएगा, अगर मैं गलत बोल के गया वो भी कन्वे हो जाएगा। सो डॉक्टर एज ए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एज ए डॉक्टर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी स्पीक in front of patient, in front of attendant. और वैसे भी मुझे लगता है कि patient और doctor का जो relation है ना वो trust के base पे है actually. और एक doctor का I think पूरा फर्ज बनता है कि अपने patient को comfort करना. Because मेरी आदत है कि मैं उस doctor के पास कभी नहीं जाती, हाँ जी क्या हुआ है क्या करना है, मैं वहीं से वापस आ जाती हूँ। जो डॉक्टर अच्छे से बात करेगा पूछेगा तो मुझे लगता है हाँ ये मुझे ठीक कर देगा, अब मैं ठीक हो गई हूँ इसके पास आके। तो ये मेरा नहीं सबका ही हाल है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है, साफ सुथरी प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक पेशेंट के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करना। और इसके करने के लिए आपकी सिंसेरिटी चाहिए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बनता है, एक दिन में नहीं बनता। एक अपने ऊपर फेथ करवाना या एक अपने पेशेंट आपका आपके ऊपर पूरा वो, आप जैसे मैं सर्जरी कर रहा हूँ, एक बंदा आया उसने अपनी लाइफ वो मेरे ऊपर छोड़ दी है, ठीक है ना। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए सर्जन एज ए डॉक्टर कि मैं उसको फुल जस्टिस करूं, कभी उसको मैं ऐसा ना कहूं कि उसको लगे कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा सैड माहौल से थोड़ा पार्टी वाले माहौल में आते हैं। मैंने जहां तक आपको देखा आप सोशल बहुत एक्टिव हो, पार्टीज में यहां वहां मैंने आपको देखा है। सर एक डॉक्टर होके अपने शेड्यूल में से टाइम निकालना पार्टीज के लिए, वैसे तो आप बता चुके हो कि 8 बजे के बाद आप टाइम निकालते हो, पर पार्टीज का मुझे इतना नहीं पता था, ये मुझे अब पता चला, इसका राज बताइए। पार्टी करते हैं, मतलब मेरा ख्याल है कि मैं संडे से मेरा शुरू हो जाता है कि इस दिन पार्टी, ये वाली पार्टी। हुआ क्या है कि बीइंग इन अमृतसर, लाइक मेरे स्कूलिंग भी यहाँ की है, कॉलेज भी यहाँ का है, उसके बाद फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशन, रिलेटिव्स, वो सब अमृतसर के ही हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई ना कोई फंक्शन चला जाता है एंड वी मेक इट ए पॉइंट कि शाम को बहुत फास्ट जाना है। और अगर आप ये पूछ रहे थे ना कि आपकी कितनी बारी होती है, टिफ कितनी बारी होती है, इसीलिए नहीं होती कि दोनों शाम को तैयार शार होकर चले जाते हैं, बाय द टाइम वापस आते हैं वो टेप वगैरह होते हैं भूल ही जाते हैं, क्योंकि कल लड़ना भी था, ये टाइम ही नहीं होता। पार्टी बहुत हेल्प करती है। ये बताइए कि इफ यू विल गेट अ मैजिक स्टिक, आपको मैं मैजिक स्टिक देती हूँ कि वट एवर लाइक एक चीज आप वर्ल्ड में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, क्या चेंज करोगे? अभी तो मैं चाहूंगा कि कोरोना ही चले जाए, बिकॉज एट प्रेजेंट तो जो दुनिया फेस कर रही है वो तो कोरोना का, क्या कहते हैं ना, कोरोना का कहर ही फेस कर रही है। एवरीबॉडी इज़ स्केयर्ड। मैं अभी देख रहा था जी वो न्यू ईयर पार्टीज भी कैंसिल हो गई हैं, क्रिसमस भी सब कुछ कैंसिल हो गया। तो आई थिंक इस टाइम अगेन डॉक्टर साहब इज टॉकिंग अबाउट पार्टीज, आई थिंक इस टाइम पे तो जो ह्यूमैनिटी को जो चाहिए वो है कि ये जो वायरस आया इसको यहाँ से निकल जाए। इफ आई गॉट अ मैजिकल वर्ल्ड आई वुड डेफिनेटली ट्राई के इस, मेरे को लगता है इस टाइम पे तो किसी को भी मैं स्टिक दे दूं वो यही करेगा। आजकल हम देखते हैं कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है इस माहौल में, कोविड वाले माहौल में लोग बहुत कंफ्यूज हैं, किसकी बात सुने किसकी ना सुने, कोई कहता है ये प्रिकॉशन लो, कोई कहता है ये प्रिकॉशन लो। मैं चाहती हूँ एज ए डॉक्टर आप हमारे व्यूवर्स को, लोगों को एक सही गाइड कीजिए कि उन्हें क्या प्रिकॉशन इस स्थिति में लेना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस टाइम पे वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम। कोरोना इज़ वन डिजीज़ जिसका किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कब कैसे आ गई है। अब तो हम थोड़ा बहुत पता चलने शुरू हो गया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन फर्स्ट 2-3 मंथ्स में तो वी वर रियली इन डार्क कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसमें मोर देन ट्रीटमेंट प्रिकॉशन ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइक मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना बार बार। एंड मैं पिछले 1 महीने से ये नोटिस कर रहा हूँ कि पीपल हैव लेफ्ट मास्क, वो उन्होंने छोड़ना पाना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं, पार्टीज हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं। एंड आई टेल यू कोरोना जिसको नहीं हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जिसको हुआ आप उससे जाके पूछे, इट्स सच ए सीरियस प्रॉब्लम। और प्रिकॉशंस लेने बनते हैं, दिस इज बेनिफिशियल फॉर योरसेल्फ, योर फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। तो सर ये तो थी आपके बचपन जवानी की, आपके डॉक्टर प्रोफेशन की, मैम के बारे में बातें, कुछ खिटपिट की बातें, ये सारी बातें हो गई, ठीक है ना, हमने जान लिया आपके बारे में। अब हम एक गेम खेलेंगे, रैपिड फायर गेम जिसको कहते हैं, वो बहुत छोटा सा गेम है। पहले आपसे सवाल पूछूंगी फिर मैम से पूछूंगी, बट सवाल जो है वो बहुत क्विक होंगे और जवाब उससे भी क्विक होगा, सोचने का टाइम नहीं है आपके पास और सारे राज भी खुल जाएंगे इसमें कुछ कुछ ना। तो पहले ऐसे शुरू करते हैं ना, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, ठीक है। चलिए, फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी। एनी लाइफ में कोई झूठ बोला हो?
आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतना कभी झूठ बोला हो, अगर बोला भी तो मैं इसके सामने भी बोलूंगा। पकड़े गए। फेवरेट डेस्टिनेशन? गोवा। गोवा। कितनी बार सॉरी बोला मैंगो, ऐसे थोड़ा काउंट कर सकते हो कि अनगिनत बार? जितनी बार लड़ाई की उस पर उतनी बार सॉरी बोला। अच्छा मैम ने कभी फेसबुक से आपकी फ्रेंड डिलीट की है, वुमेन लड़कियों फ्रेंड को डिलीट किया? खुद तो नहीं किए लेकिन मेरे से कई बार करवाए हैं, यही पूछना था। अच्छा एक कितनी बार मैम से दिन में कितनी बार डांट पड़ जाती है? दिन में तो नहीं लेकिन हफ्ते में एक दो बार पड़ जाती है। पड़ जाती है। लेटेस्ट कोई क्रश है आपका? मैम कुछ नहीं कहेंगे कि गेम है बता दो, कुछ नहीं होता। क्रश अगर आप हीरोइंस में कर लो तो वहाँ पे क्रश होगा, लेकिन ऐसे लोकल होगा तो लोकल होगा तो बता नहीं सकते। मैं समझ गई हूँ, मुझे यही जानना था, मैं आपको बता रही हूँ है ये घर जाकर पूछ रहा है कि कौन है उनके पास। अच्छा डिनर डेट पे जाना हो तो किसके साथ जाओगे? अब मुझे लोकल तो आप बताओगे नहीं, किसी हीरोइन का नाम नहीं दोगे? तो मैं अपनी वाइफ के साथ। बात ही खत्म हो गई। जो मैंने क्वेश्चन किसलिए पूछे आप समझ गए? समझ गए। घर जाके आप पूछ रहे कि क्रश कौन है। चलिए मैम आप बताइए आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? मालदीव्स। मालदीव्स को मेरी भी है। अच्छा एनी बैड हैबिट अबाउट सर यू वांट टू चेंज? नथिंग। कुछ भी चेंज नहीं करना? नो। क्या बात है। अच्छा आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? सलमान खान। सबका। अच्छा सर ने आपके लिए कभी कोई कोई कुक किया है, कभी कुछ बनाया आपके लिए, चाय या कभी कुछ बनाते हैं? कुकिंग नहीं आती इनको। चाय भी नहीं बनाई कभी? गैस नहीं ऑन करना आता। चाय बना के पिला दो। मतलब खुद के लिए बना सकता है, इनके लिए करना। गैस ऑन करने नहीं आती। अच्छा चलो मैम आपसे एक बात, आप खुद फैशन डिजाइनर हो, बेस्ट डिजाइनर सिटी में आपका कौन सा है? वनिता खन्ना। वनिता। चलो ये तो था छोटा सा रैपिड फायर सर और मैम के साथ। तो सर कुछ फ्यू वर्ड्स अबाउट सिटी सेलिब्रिटी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ बोलें उनके बारे में। Yeah, it was such a it feels such a it has it's Honored. Such a good feeling कि हम city celebrate में आए हैं और पंकज सर और प्रीति मैम ने हमें invite किया। इनको मैं पिछले कई सालों से follow कर रहा हूँ and the way they have progressed, it's really good for the city also because इनमें जो talent है regarding dance classes में या and now this show, I think this goes a long way, this will go a long way in promoting जो प्रमोट कर रहे हैं एंड स्पेशली ऑन दिस सोशल मीडिया। और एक मीडिया ऐसा है अब हमारे पास है कि प्रीति मैम जो डांस कर रहे हैं और उनको मैं देख भी रहा हूँ और यकीन मानिए लॉकडाउन में मैंने इनको फॉलो करने की कोशिश की लेकिन द स्टेप्स आर सो डिफिकल्ट, मेरे से तो नहीं हुआ लेकिन मेरे को पता चला है, मैम ने बताया कि कई लोगों ने डांस किए इनके स्टेप्स पे किया एंड शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड सर्विस फॉर द सिटीजन ऑफ अमृतसर। क्योंकि अगर हम डांस करते हैं, गाने गाते हैं, खुश रहते हैं तो आई थिंक हॉस्पिटल्स में जाने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड वंस अगेन आई थैंक सिटी सेलिब्रिटी फॉर इन्वाइटिंग अस एंड यहाँ पे आके मेरे को लग रहा कि मैं घर पे बैठे जैसे ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूँ वैसी बातें हो रही हैं, नथिंग वो कोई सीरियस वाला टॉक नहीं था एंड आई एम रियली ग्लैड वी आर हियर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा सिटी सेलिब्रिटी टॉक 20 का एपिसोड। अगले हफ्ते मैं मिलती हूँ सिटी के नए सेलिब्रिटी के साथ। अगर तब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए सिटी सेलिब्रिटी यूट्यूब चैनल। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सिटी सेलिब्रिटी, फील एमिनेंट। We'll be right back.